सारे तालिब इल्म के लिए जिसने कुछ इल्म हासिल कर लिया है दीन का, इसके लिए पूरे आसमान में रहने वाले अल्लाह के फरिश्ते और दुनिया में रहने वाले अल्लाह की तमाम मखलूकात मगफिरत की दुआ मांगती, उसका दर्जा कितना बुलंद है। यही शुरू है फिलहाल का, यहां तक कि मछलियां समंदर की तहों में अल्लाह उन्हें मुकल्लफ करता है कि ये मेरा मासूम बंदा जो मेरे दीन को हासिल करने के लिए मस्जिद में जा रहा है, कुरान और अरबी को सीखने के लिए आ रहा है, इसके घर वाले इसके पुरसाने हाथ नहीं है, लेकिन अल्लाह है, अल्लाह है, फरिश्ते हैं, फरिश्तों को अल्लाह ने लगा रखा, उसके लिए रहमत की दुआ करते, उसके लिए अल्लाह से बरकत की दुआ करते। आप देखें, इसीलिए आप देखें डिफरेंस एक मस्जिद के अंदर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आप उसे किसी दूसरे एंगल से ना सोचें, एक मिसाल दे रहा हूं, एक मस्जिद के अंदर अगर एक इमाम साहब है ना इमामत करवा रहे, आपके महल्ले के अंदर बहुत सारी मस्जिदें कितनी पगार देते, ज्यादा से ज्यादा 8,000, 7,000, 10,000 देते, आप देखिए उनकी जिंदगी कैसे गुजरती, पैसों की वजह से उनकी जिंदगी नहीं गुजरती है, जो इल्म हासिल किया है उसकी वजह से अल्लाह ताला उन्हें 10,000, 8,000 में बरकत देता। और एक आदमी जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, 1,00,000 की पगार हासिल कर रहा है, 50,000 की पगार हासिल कर रहा है, दिन भर ड्यूटी भी कर रहा है, परेशान हाल रहता, नफ्सियाती तौर पर उसे उतना इत्मीनान नहीं हासिल होता है, अंदरूनी तौर पर वो इतना मुतमइन नहीं होता है जितना मस्जिद के अंदर इमामत करने वाला 5,000 का 8,000 का 9,000 10,000 का मुअल्लिम होता। ये दुनिया के अंदर आप खुद देख रहे हैं, इंसान महसूस करता है ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह का वादा है, सब उसके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं, तो जो जिसके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं उसका क्या पूछना, कुछ ना उसके पास हो तो अल्लाह की रहमत तो सब कुछ हासिल है।